नमस्कार, मैं हूं प्रकाश एस्ट्रोलॉजर। पेश करूंगा स्कॉर्पियो मून सन के वार्षिक भविष्य। अगर आपकी वृश्चिक राशि चंद्र राशि है और वृश्चिक राशि का 2020 का पूरे साल का जो वार्षिक भविष्य आपके समक्ष पेश कर रहा हूं, इस वार्षिक भविष्य के को जो बेस है वो भारतीय ज्योतिष शास्त्र है। अगर आपको आपका मून साइन नहीं पता तो अपने बर्थ चार्ट से अपने मून साइन को पता करें। अगर आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है यानी आपका मून साइन स्कॉर्पियो है तो ही इस वीडियो को फॉलो करें। कई बार लोग सन साइन को पता कर लेते हैं और मून साइन की प्रेडिक्शन को फॉलो करना शुरू करते हैं, जो गलत है। सन साइन से इस प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं, कोई मतलब भी नहीं। आपको अपने आपका मून साइन पता लग सकता है अपने बर्थ चार्ट से। इस बर्थ चार्ट से अपना चंद्र राशि पता करें, मून साइन पता करें। अगर वो स्कॉर्पियो है यानी आपकी चंद्र राशि वृश्चिक है तो ही इस वीडियो फोकस को फॉलो किया जाए। सबसे पहले अकम्प्लिशमेंट की बात करते हैं। अकम्प्लिशमेंट 2020 की 2020 की वृश्चिक राशि अगर आपका मून साइन है, स्कॉर्पियो आपका मून साइन है, ये 2020 का साल क्या लेकर आएगा अकम्प्लिशमेंट को लेके, प्राप्ति को लेके। सबसे पहले ये साल आप बहुत ब्रेव रहेंगे, बड़े एम्बिशियस होंगे, तरक्की बहुत करेंगे, बहादुर आप शेर की तरह होंगे, हर काम को निकालने में कामयाब हो जाएंगे, बहुत स्ट्रांग और एनलाइटेंड होंगे। एज ए प्रोफेशनल, जैसे अगर आप इंजीनियर हैं, शेफ हैं, जहाज के कप्तान हैं, ड्राइवर इंजन ड्राइवर हैं, बहुत कामयाब होंगे। आपका लोहे का काम है, आप कारपेंटर का काम है, आप कंस्ट्रक्शन का प्रोजेक्ट कर रहे हैं, आप सुनियार का काम कर रहे हैं, आप मैकेनिकल इंजीनियर हैं, आप आईटी कंसल्टेंट हैं, आईटी इंजीनियर हैं, आप टूल मेकर हैं, आप डिज़ाइनर हैं, आप टर्नर हैं, आप फिटर हैं, आप फैशन डिज़ाइनर हैं, आप बुटीक के मालिक हैं, आप डॉक्टर हैं, आप लॉयर हैं, बहुत सक्सेसफुल होंगे। सर्जन जो है बहुत सक्सेसफुल है, अगर खासतौर पर अगर आप स्कॉर्पियो हैं। स्कॉर्पियो के लिए ये पूरा साल हेल्दी, बहुत स्ट्रांग रहेंगे, हेल्दी भी रहेंगे, जमीन जायदाद को हासिल करेंगे, बहुत बड़ा रैंक आपको मिलेगा, खुशहाली बहुत होगी, तरक्की बहुत करेंगे। जनरल ओवरव्यू, जनरल ओवरव्यू स्कॉर्पियो का, वृश्चिक राशि का, 2020 का। सबसे पहले इस साल के अंदर ये है कि आप कोई भी जो इस साल ये आपको बहुत निडर करेगा, आप डरेंगे नहीं, बहुत ब्रेवरी से आप किसी भी चीज़ का सामना करेंगे, बहुत ज़्यादा बहादुरी से आप हर चीज़ को सॉर्ट आउट कर सकते हैं, प्रॉपर्टी बना सकते हैं, एम्पायर डेवलप कर सकते हैं, बहुत अपने अंदर बहुत कॉन्फिडेंस आपके बहुत ज़्यादा होगा, फाइनेंशली बहुत सेल्फ सफिशिएंट होंगे। इस साल ऐसा है कि जब फूल से, अगर गुलाब के फूल में आप कांटे उखाड़ के फेंक दें तो गुलाब को आप बहुत इंजॉय करेंगे, ये साल इस तरह का। लेकिन कांटे उखाड़ने का काम आपको करना पड़ेगा। कई बार हालात ऐसे होंगे, बहादुरी आपके पास है, गट्स आपके पास है, कई बार रूल वूल थोड़े बहुत आपको तोड़ने पड़ सकते हैं, हालात कई बार मुश्किल हो सकते हैं, कई बार सपोर्ट आपको जो आप चाहते हैं वो नहीं मिलेगी, कई बार आप जंग के मैदान में होंगे तो कोई साथ में नहीं होगा, आपका अपना कॉन्फिडेंस ही आपके साथ होगा। ये साल कई बार आपको दिखाने में लोगों को कुछ करना पड़ेगा, अंदर से कुछ करना पड़ेगा, कई बार दोहरी ज़िंदगी जीने का साल हो सकता है, और कई बार सिचुएशन के साथ आपको कंप्रोमाइज़ करना पड़ेगा, और कई बार आपको सिचुएशन को बहुत सीरियसली लेना पड़ेगा, हालात कई बार मुश्किल हो सकते हैं। इस साल ने आपका टेस्ट लेना है, लेकिन टेस्ट लेने के बाद आपको तरक्की देगा। इस टाइम साल के अंदर स्कॉर्पियो कई बार आपकी इंटेग्रिटी को भी थ्रेटन्ड हो सकती है, अगर आपकी इंटेग्रिटी को थ्रेटन हो जाए तो सोच समझ के चलना होगा, और ये साल आपको बहुत सोच समझ के फैसले सारे सोच समझ के करने पड़ेंगे, कि पर आप विशेष सर्कल में फंस सकते हैं। इस साल आपको बहुत अपनी मंत्र साधना पे भी बड़ा ध्यान देना होगा, देवी कृपा बहुत चाहिए। ये साल आपके लिए फेम लेके आएगा, शत्रुओं का दमन लेके आएगा, अथॉरिटी आपको मिलेगी, धन संपदा आपको मिलेगी, नए लोग आपको मिलेंगे, हार्ड अथॉरिटी की सपोर्ट आपको मिलेगी। अगर आप काम चाहते हैं, काम आपको मिल जाएगा, अगर आप बिजनेस चाहते हैं, बिजनेस आपको मिल जाएगा, अथॉरिटी रिस्पॉन्सिबिलिटी प्रमोशन आपको मिल सकती है, लेकिन उस पे लिए काम करना पड़ेगा। हेल्थ वेल्थ दोनों में इंप्रूवमेंट है, फेम आपकी बढ़ेगी, लीडरशिप आपको मिल सकती है। 2020 का साल शत्रुओं का दमन होगा, पहले 9 मंथ टफ होंगे, डिमांडिंग होंगे, इजी ना होंगे,
किसी भी काम की शुरुआत कर सकते हैं, नाम होगा, तरक्की होगी। 2020 के साल के अंदर हेल्थ पहले से अच्छी होगी, बीमारियों से फारिग होंगे, सक्सेस आपको मिलेगी, नाम आपको मिलेगा, बहुत सारी तरक्की आपकी होगी, प्यार मोहब्बत इश्क से बहुत हेल्प होगी। जो लोग आपको अपोज कर रहे हैं उनसे आपकी मतलब जो लोग अपोज आपको कर रहे हैं वो भाग जाएंगे, एफर्ट्स का बहुत बड़ा रिवार्ड आपको मिलेगा। 2020 का साल हालात में बदलाव है, रेजिडेंस में चेंज होगी, कामकाज में तब्दीली होगी, परेशानियां कम होंगी। हेल्थ का बहुत ध्यान रखना होगा, पेट को लेके, लोअर एब्डोमेन को लेके, बॉडी में कोई शार्प पेन हो, थायराइड की प्रॉब्लम को लेके, अगर बॉडी में कोई शार्प पेन हो ऑपरेशन से बच के रहे, और ब्लड प्रेशर के अंदर अप्स एंड डाउन हो सकता है, नेक को लेके, गले को लेके बहुत ध्यान रखना होगा। लड़ाई झगड़ा पर्सनल हो प्रोफेशनल हो उनसे बच के रहे, और इस साल अपने आप को ऑपरेशन से बचा के रखें। बिजनेस के लिए, ट्रैवलिंग के लिए भागदौड़ बहुत हो सकती है, अचीवमेंट भी बहुत होगी। मैरिड लाइफ के अंदर किसी लड़ाई झगड़े को अवॉइड करें, अगर किसी बात पे गहमा गहमी हो जाए तो मिल बैठ के उसको रिजॉल्व करें, बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी, भागदौड़ बहुत होगी, रनिंग अराउंड बहुत होगी। डोमेस्टिक लाइफ के अंदर लड़ाई झगड़ा ना रखें, डोमेस्टिक लाइफ के ऊपर आपके ऊपर कोई ब्लेम आ सकता है, उसको आपको रेक्टिफाई करना पड़ेगा। आई साइड का बहुत ध्यान रखें, जुबान से किसी का अपमान ना करें, किसी की बेइज्जती ना करें। 2020 के साल के अंदर लोगों के साथ कई बार सिचुएशन उलझी हुई होगी, डोमेस्टिक हार्मोनी कई बार नहीं भी होगी, आपको बनानी पड़ेगी, या आप किसी प्रॉब्लम का हल बनेंगे या आप किसी प्रॉब्लम का कारण बनेंगे। हेल्थ और वेल्थ का बहुत ध्यान रखें, फिजूल के खर्चों से बचें, माउथ डिजीज़ आई इन्फेक्शन से बचें। इस साल किसी कला क्लेश से अपने आप को दूर रखें तो तरक्की आपकी कई गुना बढ़ सकती है। इस साल बहुत सारी डोमेस्टिक लाइफ के अंदर तूफान केवर बचा होगा, उसको आपको थमाना होगा, हेल्थ पहले से अच्छी होगी। 2020 का साल खर्चे आपके बहुत ज़्यादा होंगे, एक्सपेंडिचर आपके बहुत ज़्यादा होंगे, फ्लो ऑफ इनकम में बहुत ध्यान देना होगा, और ये टाइम पीरियड ऐसा है फैमिली मेम्बर्स को लेके साथ चलें, बीमारियों से फारिग हो जाएं, बहुत सारी परेशानियों का कारण बनेंगे। हेल्थ और वेल्थ का बहुत ध्यान रखें, एग्रीकल्चर और लैंड से कोई प्रॉब्लम हो विचार कर लें। 2020 का पूरा साल गाड़ी ले सकते हैं, ज़मीन जायदाद बन सकती है, नया घर ले सकते हैं, पेट को लेके कोई तकलीफ हो डॉक्टर से चेकअप करवाएं। 2020 का साल वेपन से, फायर से, थेफ्ट से, चोरों से, ठगों से परहेज करना होगा, फाइनेंशियल लॉसेस से बच के रहना होगा, और इस साल के अंदर पेट को लेके कोई इशू हो तो विचार कर ले, बहुत ज़्यादा ओवर एक्साइटेड होने की बजाय काम रहे तो ज़्यादा अच्छा। हेल्थ का बहुत ध्यान रखें, बिजनेस और ट्रैवल को लेके बहुत ध्यान रखें, हेल्थ के इश्यूज हो सकते हैं, दिमाग में फोबिया बहुत हो सकता है, डर बहुत होगा, पेट को लेके इशू हो सकते हैं, मेल और फीमेल हेल्थ इश्यूज हो तो डॉक्टर से चेकअप करवाएं, बॉडी में कोई शार्प पेन हो डॉक्टर से चेकअप करवाएं, विचार कर लें। शत्रु बढ़ सकते हैं, भागदौड़ बहुत होगी, स्टेटस प्रेस्टीज में बहुत ज़्यादा राइज होगी, हायर अथॉरिटी की सपोर्ट आपको लेनी पड़ेगी, इनकम के रिसोर्सेज बहुत बन सकते हैं, बहुत एफर्ट लगाने के बाद बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी बाहर जाने के लिए, गाड़ी आप ले सकते हैं, प्रॉपर्टी आप ले सकते हैं। लेकिन इस साल जो पहले 9 महीने होंगे स्ट्रगल हो सकता है, उसके लिए तैयार रखें। जिस तरह से मैं जो बात शुरुआत में कही थी कि गुलाब का फूल पूरा साल है लेकिन साथ में कांटे लगे हुए हैं, फर्स्ट 9 महीने उन कांटों को उतारना पड़ेगा तो गुलाब आपके हाथ में आ जाएगा, ये बात है। स्कॉर्पियो के आप जानना चाहते हैं कि 2020 का पूरा साल जॉब के लिए, प्रोफेशन के लिए, करियर के लिए, फाइनेंशियल बैकिंग के लिए क्या लेकर आएगा। ये पूरा साल जॉब के लिए, कामकाज के लिए, आपकी धन संपदा के लिए पूरा साल क्या लेकर आएगा स्कॉर्पियो के लिए। स्कॉर्पियो के मून राशि के दोस्तों, वृश्चिक राशि के दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि वृश्चिक राशि के लिए 2020 के अंदर आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी, आपकी रोमांटिक लाइफ कैसी होगी, आपकी लव लाइफ कैसी होगी। वृश्चिक राशि के दोस्तों, स्कॉर्पियो दोस्तों, क्या आप जानना चाहते हैं कि 2020 के अंदर आपकी हेल्थ के हालात क्या होंगे। क्या आप जानना चाहते हैं स्कॉर्पियो के लिए 2020 का साल, अगर आप स्टूडेंट हैं, एजुकेशनल करियर कैसा होगा, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट कैसे होंगे, इंटरव्यू प्रेजेंटेशन में सक्सेस के क्या चांसेस होंगे। क्या आप जानना चाहते हैं स्कॉर्पियो कि 2020 के अंदर किस तरह की प्रॉब्लम्स आएंगी, किस तरह की कॉम्प्लिकेशंस को जूझना पड़ेगा, किस तरह की रुकावटें आपकी होंगी, किस तरह से टाइम वेस्ट आपका हो सकता है, क्या आपको हल करना चाहिए, क्या उपाय पद्धति आपको प्रयोग में लेके आनी होगी, कौन सी मंत्र साधना से आप अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपका जवाब यस है तो किस बात की देरी है, आप इस ईयरली हॉरोस्कोप रिपोर्ट लें और इसको एक टाइम नेविगेशन के मुताबिक इसको ले लें और एक
रेफरेंस की तरह इसका प्रयोग करें, गाइड की तरह इसका प्रयोग करें कि पूरे साल के अंदर क्या आपका लक्ष्य है, क्या आपके इश्यूज हो सकते हैं, क्या आपकी कॉम्प्लिकेशन हो सकती है, क्या क्या ऑप्शंस आपके पास खुली हुई हैं, क्या सॉल्यूशन आपको करने चाहिए उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए। इंग्लिश ईयरली रिपोर्ट का जो टाइमिंग है वो 1 hour 12 minutes है, पूरी वीडियो उसकी बनी हुई है, और रिटर्न जो रिपोर्ट है वो 7516 वर्ड्स है, यानी 7,500 शब्द लिखे हुए हैं। इंग्लिश ईयरली जो वीडियो जो वर्ड काउंट है जो पूरी रिटर्न रिपोर्ट है, हिंदी ईयरली वीडियो रिपोर्ट है 1 hour 11 minutes की, हिंदी वीडियो रिपोर्ट है 1 hour 11 minutes की। तो इसकी इसको एक टाइम नेविगेशन की तरह बस का प्रयोग कर सकते हैं जो काफ़ी इफेक्टिव होगी। मैं उम्मीद करता हूं कि आपने इस 2020 के ईयरली फोरकास्ट जो ब्रीफ जो प्रेडिक्शन है उसको आपने एंजॉय किया होगा। अगर आप पूरी डिटेल्ड ईयरली फोरकास्ट रिपोर्ट देखना चाहते हैं अपनी मैरिड लाइफ के बारे में, रोमांटिक लाइफ के बारे में, करियर के बारे में, प्रोफेशन के बारे में, अपने फाइनेंशियल बैकिंग के बारे में, अपने करियर प्रॉस्पेक्ट के बारे में, अपनी एजुकेशन के बारे में, अपनी हेल्थ के बारे में, और बहुत सारे उसमें चैप्टर्स दिए गए हैं डिटेल्ड ईयरली रिपोर्ट के अंदर, तो आप हमारी वेबसाइट पर ज़रूर जाएं और prakashastrologer.com पे जाके आप डिस्कवर कर सकते हैं कि अगर आप किस तरह से आप रिपोर्ट ले सकते हैं और क्या पोटेंशियल हैं 2020 के आपके लिए, क्या रुकावटें हैं और किस तरह से आप उन पोटेंशियल्स को मीट कर सकते हैं और उन ऑब्स्टेकल से निकल सकते हैं पूरे साल के अंदर। अगर आप हमारे लिए बिल्कुल नए हैं और फिर भी चाहते हैं कि पूरे 2020 की रिपोर्ट देखना चाहते हैं कि किस तरह की होगी, तब कृपया करके आप 2019 का व्यू देख लीजिए। 2019 की अब डिटेल्ड रिपोर्ट हमने बहुत डिटेल्स में दी रखी है, वो एक सैंपल है। 2019 का अपना आपकी मून साइन के मुताबिक जो ईयरली रिपोर्ट है उसको आप देख लें तो फिर आपको पता चल जाएगा क्या उसमें आइडिया क्या है। चलता हूँ, लौट के मिलूँगा बहुत जल्द एक नए वीडियो के साथ। लेकिन 2020 की नए साल की 2020 का ईयरली फोरकास्ट की जो वेरी थॉरली ईयरली रिपोर्ट है उसको ज़रूर लें आप हमारी वेबसाइट पर जाके। थैंक यू।